हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोग्राम हाउ टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड देन स्वैप देम विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो आज जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम करेंगे आर्ग्यूमेंट्स में, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। हम आर्ग्यूमेंट्स में एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है क्लास ABC, ABC की जगह आप कुछ भी और लिख सकते हैं। ये बात तो अब तक आपको पता लगी गई होगी। फिर उसके बाद क्योंकि मैं ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है तो मैं लिख देती हूँ void swap। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, स्वैप जगह कैलकुलेट कुछ भी, ठीक है। तो अब हम लेंगे आर्ग्यूमेंट्स में, तो ऐसे में लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स में हम कभी भी इंट ए कॉमा बी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें दो चाहिए। हम हमेशा इंट ए कॉमा इंट बी लिखेंगे। ऐसा कभी मत करना इंट ए कॉमा बी, जैसे हम नीचे कर लेते हैं ना अपने प्रोग्राम से, हम ऊपर आर्ग्यूमेंट्स में ये बिल्कुल नहीं कर सकते, आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम ए के अंदर ए प्लस बी डाल देंगे सेमीकोलन, बी के अंदर ए माइनस बी और ए के अंदर ए माइनस बी। अब आप सोचते होगे क्या हो गया, बट हम प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद बताते ही क्या हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद SOP का मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो प्लीज़ जो बच्चे नए हैं वो इसे नोट कर लें, SOP का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग SOP ए इज इक्वल टू प्लस ए। आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स तो आती है ना, अगर नहीं आती तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अब देख मैं ये लेकर चल रही हूँ, आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं ये क्या हुआ है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे होगी। देखो हमारे ए में क्या था, ए प्लस बी, ठीक है सेमीकोलन, और बी में हमारे पास क्या था, ए माइनस बी। फिर ए में हमने लिखा था ए माइनस बी, तो अब इसका मतलब क्या है ये तो हमें समझ ही नहीं लगा। हमने दिया है ए के अंदर है हमारे पास 5, बी के अंदर है हमारे पास 6, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ए के लिखते हैं 5 प्लस 6, वो क्या बन गया 11, ठीक है। अब हमारे ए की वैल्यू अपग्रेड होके 11 हो चुकी है, ठीक है, इतना आपको पता लग गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे बी में क्या है, ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास 11, बी क्या है 6, 11 माइनस 6 5। अब हम देख रहे हैं ए की भी यहाँ वैल्यू आएगी ए माइनस बी, हमारी बी की भी अपडेट होके 5 हो चुकी है। तो ए में क्या है 11, बी में क्या है 5, अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास इधर आ जाएगा 6। अगर अब आप ध्यान से देख रहे हो ए की वैल्यू हमारे पास इधर 6 है, स्टार्टिंग में हमारे पास ए की वैल्यू 5 थी, बी की 6 थी, बट अब हमारे पास बी की 5 है और ए की 6 है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। हमने बिना थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो हमारा ये प्रोग्राम ये भी कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।